हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 25 ऐसे वर्क्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि किसी भी अकाउंटेंट को किसी भी कंपनी में करने पड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें से हो सकता है 20 वर्क देखने को मिले, 15 वर्क देखने को मिले, या हो सकता है सभी काम आपको देखने को मिल जाए। तो डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी पर, किस पोस्ट पर और कितनी बड़ी कंपनी में जा रहे हैं या कितनी छोटी कंपनी में जा रहे हैं। देखिए, अगर स्मॉल कंपनी में होते हैं तो वहाँ पे एक या दो ही अकाउंटेंट होते हैं जिनको ऑलमोस्ट सारा काम करना होता है, तो वहाँ पे सभी काम करने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छी कंपनी में अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, अच्छी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर एक पोस्ट होगी जिसके लिए आपको एक पर्टिकुलर वर्क होगा, वही करना होगा, वही रिपीटेशन अलाउड रिपीट होता रहेगा, आपको अलग से कुछ काम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो हमने एक लिस्ट बनाई हुई है जिसमें हम बहुत सारे वर्क के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले भी मैंने दो वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 10 वर्क के बारे में बताया था, उसके बाद 15 वर्क के बारे में बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको भी ज़रूर देख लें। तो आज की वीडियो में हम 25 वर्क के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आप सीनियर अकाउंटेंट है, जूनियर अकाउंटेंट है, इसमें मैं मिक्सअप बताऊँगी। आपको बस समझना है कि एक अकाउंटेंट के क्या क्या काम हो सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट नंबर है हमारा, देखिए मैंने जो लिस्ट बनाई हुई है मैं एक एक करके इसमें आपको बताऊंगी, आप ध्यान से सुने, आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे समझ आ जाएंगी। फर्स्ट नंबर है लोन डायरेक्टर, रेमोनरेशन, कैपिटल, मंथली चेक, कॉन्ट्रा एंट्री। देखिए, किसी भी कंपनी में जब हम होते हैं तो सबसे मेन काम होता है हमें टाइम से एंट्री करना। ठीक है, तो एंट्री यहाँ पे हमें लोन की एंट्री करनी होगी, डायरेक्टर से लोन लिया है कोई भी जो हमारे यहाँ पे लोन देते हैं, जैसे कि मान लीजिए डायरेक्टर ने कंपनी को लोन दिया हुआ है, तो यहाँ पर उसकी जो एंट्री होगी वो लोन में ही करनी होगी। ठीक है, गलती से इधर उधर ना करें, नहीं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। रेमुनरेशन है, मंथली सैलरी अगर दे रहे हैं, रेमुनरेशन डायरेक्टर को देते हैं तो उसे रेमुनरेशन बोलते हैं, सैलरी नहीं बोलते हैं, तो इस केस में क्या एंट्री करनी है, तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। और कॉन्ट्रा एंट्री टाइम टू टाइम चेक करते रहना है, और कोई भी सस्पेंस में अगर कोई एंट्री है तो उसको आपको यहाँ पर मंथली एक बार चेक करके सस्पेंस क्लियर कर लेने हैं। ठीक है, अगर डेली कर लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं, आपको किसी भी कंपनी में अगर काम करते हैं तो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ITR, TDS, 26AS, इन सबसे रिलेटेड कोई भी काम करना पड़ सकता है। इनसे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए, इससे रिलेटेड कोई भी पास्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ऐसे में आपको फाइल से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके या PDF फॉर्म में कैसे भी करके सारा डाटा अपने पास रखना है। ठीक है, और ईयरली इसकी फाइल प्रिपेयर होती है, बैलेंस शीट की फाइल, प्रॉफिट, इन सब की फाइल एक हो सकती है, ITR की फाइल अलग से हो सकती है। तो फाइल देखिए, किसी भी कंपनी में सिर्फ यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि हमको यहाँ पे सिर्फ फिज़िकली फॉर्म में नहीं चाहिए, सिर्फ ऑनलाइन ही सारा काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। फिज़िकली आपको अपनी फाइल मेंटेन करके चलनी है और आपको अपनी फाइल कंप्लीट करनी है टाइम टू टाइम। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, EMI चार्ट। आपकी हो सकता है कोई ना कोई कंपनी में कोई ऐसी चीज़ ली गई हो EMI पे, तो उसका EMI एक चार्ट होता है जिसमें कि साफ साफ लिखा होता है कि मंथली कितना इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, कितना प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है, जितना EMI जा रहा होता है उसका जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है उस पर आपको TDS की एंट्रीज भी करनी हो, तो ये ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर करनी पड़ सकती है। अगर हो सकता है आप छोटी कंपनी में, वहाँ पे TDS रिटर्न अभी तक फाइल नहीं की जा रही थी, हो सकता है आपके सामने ही TDS रिटर्न, आपके बॉस बोल दे कि TDS में यहाँ पे आपको 10 नंबर लेना है, तो इसके लिए आपको 10 से रिलेटेड सभी चीज़ें जाननी होंगी, तो आप ऑनलाइन इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। GST, TDS ये सभी रिटर्न फाइल करते हैं, तो इस टाइम पे लेट फीस को अवॉइड करने के लिए टाइम का ध्यान रखें कि जो ड्यू डेट है वो क्या है, तो ड्यू डेट का ध्यान रखें और उसी के अकॉर्डिंग अपना डेटा प्रिपेयर करें, ताकि अगर आपका CA फाइल करता है GST रिटर्न, TDS रिटर्न, तो वो टाइमली फाइल कर सके, आपका सीनियर करता है तो वो फाइल कर सके, और अगर आप करते हैं तो भी आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें कि डेटा पे आपका कंप्लीट रहे, सभी एंट्रीज कंप्लीट रहें। DSC के बारे में आपने सुना ही होगा, नहीं भी सुना है तो मैं बता देती हूँ, यहाँ पे ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है जो कोई भी डायरेक्टर होते हैं या बॉस होते हैं, तो उनके जो साइन होते हैं डिजिटल फॉर्म में एक पेन ड्राइव के जैसे होता है, उसमें उसी को हम DSC बोलते हैं, तो उसको
जब हम कुछ भी रिटर्न फाइल करते हैं आज के टाइम में, तो OTP के जगह हम DSC का यूज़ करके रिटर्न फाइल करते हैं। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर DSC का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, DSC टाइम से बनवाना होगा, DSC कब एक्सपायर है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो इससे रिलेटेड चीज़ें आपको देखनी पड़ सकती हैं। अगर आपकी कंपनी में PF रजिस्ट्रेशन भी है तो PF की साइट पे भी आपको मालूम होना चाहिए कि DSC की सहायता से ही हम यहाँ पे कोई भी चीज़ फाइल कर सकते हैं, देख सकते हैं, या जो भी हमें यहाँ पे पेमेंट करके फाइल करना होता है उससे रिलेटेड आप जब देखेंगे तो आपको हो जाएगा। कुछ भी वेरीफाई करने के लिए आपको DSC की ज़रूरत पड़ेगी। ESI अगर फाइल करते हैं, ESI में पेमेंट करने के बाद हम किसी भी एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसमें भी हमको DSC की ज़रूरत पड़ सकती है। किसी भी कंपनी में देखिए कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर की आप स्पेसिफिक लिस्ट बना लें, जो कॉन्ट्रैक्टर बार बार हर यहाँ पे जो हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, तो क्योंकि उनका TDS आपको टाइम टू टाइम डिडक्ट करना है और किस रेट पे करना है ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और कब डिडक्ट नहीं करना है इस चीज़ का भी आपका ध्यान रखना है। ठीक है, आपको इंडिविजुअल है या कंपनी है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चेंज हो जाता है TDS रेट, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सभी के पैन नंबर आपके पास होने चाहिए, नहीं है तो आपको कॉल करके उनसे मांगना है, सभी के पैन नंबर आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। तो वैसे तो बहुत सारे वर्क्स हो जाएंगे इस तरह से, लेकिन आज मैं 25 वर्क की बात कर रही हूँ, जिसमें से हमारे 9 वर्क कंप्लीट हो गए हैं। अब 10th की हम बात कर लेते हैं। देखिए, आप जिस कंपनी में हैं, मान लीजिए छोटी कंपनी है, तो वहाँ पे HR नहीं है, तो ऐसे में आप ही जूनियर हैं, आप ही सीनियर हैं, और आपके ऊपर बॉस ने ये डाल दिया है कि जितने भी एम्प्लॉय हैं उनकी लिस्ट लेकर आओ, तो वो लिस्ट आपके पास अगर नहीं होगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अगर आप हो सके तो एम्प्लॉय की लिस्ट बना लें, उन्होंने कब ज्वाइन कराया है ज्वाइनिंग डेट के साथ, ठीक है, विद सैलरी और विद इंक्रीमेंट विद ईयर। और अगर आपको ये सब काम करने पड़ रहे हैं तो आप इसकी स्पेसिफिक एक एक्सेल में सीट बना लें कि हर साल उनका कितना इंक्रीमेंट हुआ है, किस डेट पे हुआ है और कितनी सैलरी उनकी जॉइनिंग के टाइम पे थी, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे नोट करके रख सकते हैं। इसकी अलग से एक सीट बना सकते हैं, क्योंकि सैलरी बनाते टाइम ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे काम आएंगी। और कभी किसी एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट करना होता है तो इससे हमें बैक डेटा देख के पता चल जाता है कि लास्ट टाइम इनकी सैलरी कब बढ़ाई गई थी। तो ये छोटी कंपनी में देखने में मिलेगा, बड़ी कंपनी पे तो सैलरी इनरोल इनके लिए बहुत अलग अलग लोग होते हैं, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं GSTR 2A, जो कि सबसे बड़ी चीज़ है आज के टाइम में। GST में कोई मिसमैच ना है, इसके लिए GSTR 2A से आपका डाटा मैच होना चाहिए। जितने भी परचेजेस के बिल, सर्विसेज के बिल हैं, वो सभी आपको पोर्टल पे चेक करने हैं, पोर्टल से, और अपने आपको मैच करने हैं कि सभी जो इन्वॉइसेज हैं वो आपके पास हैं या नहीं है। ठीक है, तो इसको मंथली आप चेक कर लें, इसके बाद ही अपनी रिटर्न फाइल करें। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, टाइम से बिल मंगवा लें, टाइम से पेमेंट कर दें, ताकि कोई इश्यू आपको फ्यूचर में ना आए। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, TCS फाइल ऑन GST पोर्टल। GST पोर्टल पे आपको TCS रिटर्न भी फाइल करनी होती है, तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, मंथली उसको भी आप फाइल करके चलें, जिसका इम्पैक्ट आप देखते होंगे कैश लेजर में, TCS अमाउंट जो है वो यहाँ पे कैश लेजर में देखने को मिल जाता है। इसके बारे में अगर आपको मालूम नहीं होगा, डिटेल में मैं वीडियो बना दूंगी, आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगी। आप कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इस पर मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगी। प्रॉपर्टी रेंट पेड ऑन टाइम। देखिए, जो बहुत सारी कंपनीज होती हैं उनके नाम पे अलग अलग प्रॉपर्टी हो सकती है, अलग अलग लोकेशन पे, ज़रूरी नहीं है कि वो रेंट पे, उनके खुद की भी हो सकती है। तो ऐसे में क्या होता है कि उनको यहाँ पे ईयरली टैक्स पे करना होता है, प्रॉपर्टी टैक्स जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो प्रॉपर्टी का रेंट भी पे करना होता है अगर रेंट पर है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और टाइम से एंट्री करनी है। कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करिए, मान लीजिए आपकी कंपनी के नाम पे, तब क्या एंट्रीज करनी है, और ऐसे में क्या आपको TDS यहाँ पे डिपॉजिट करना होगा जिससे भी आपने प्रॉपर्टी परचेज करी है उसके नाम पे, और फिर यहाँ पे पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। इनसे रिलेटेड जब आप ऐसा कुछ देखेंगे तो वो आप अपने CA से भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनवॉइस इश्यू इफ़ रेंट प्रोफेशनल सर्विस। देखिए, बहुत सारी कंपनीज सिर्फ एक ही काम नहीं करती, कोई कोई कंपनियां दो दो वर्क करती हैं, ठीक है। ऐसे में मान लीजिए आपने रेंट पे किसी को कुछ बिल्डिंग दे रखी है और बाकी अदर साइड आप दूसरा वर्क कर रहे हैं, तो हो सकता है रेंट से रिलेटेड भी आपको काम करना पड़े यहाँ पे, उसके इनवॉइस जनरेट करने पड़े, बनाने पड़े, तो ऐसे में उससे रिलेटेड एंट्रीज भी करनी पड़ सकती है।
और टाइम से पेमेंट आपको रिसीव हो रही है नहीं हो रही है, इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी इसमें से कुछ चीज़ें, ठीक है। जीएसटी से रिलेटेड आपको, जब जीएसटी फाइल करने से रिलेटेड आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट या कौन कौन से डेटा है जो प्रिपेयर रखना है, इम्पोर्ट से रिलेटेड सारी एंट्रीज कंप्लीट रखनी है, सेल से रिलेटेड आपको सभी एंट्रीज कंप्लीट रखनी होंगी, परचेज से रिलेटेड आपको सभी एंट्रीज कंप्लीट रखनी होंगी, जीएसटीआर 2A जो कि मैंने कहा उसको मैच कर लेना है, कंफर्म कर लेना है मंथली बेसिस पे, कोई भी सर्विस आपने ली है तो उससे रिलेटेड आपको एंट्रीज कंप्लीट रखनी है, ठीक है। तो इन सभी की एंट्री आप कंप्लीट रखेंगे, ये बहुत सारी एंट्रीज हो जाती हैं इसमें तो पागल हो जाते हैं कुछ लोग, काम करते करते पूरा दिन हालत ख़राब हो जाती है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। इंटरनली बैलेंस कॉन्ट्रा एंट्री, देखिए इंटरनली हम एक बैंक से दूसरे बैंक में कभी कभी बैलेंस ट्रांसफ़र कर देते हैं, जैसे मान लीजिए एक अकाउंट से EMI जानी है और आपके उस अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो ऐसे में आप दूसरे अकाउंट से इस अकाउंट में यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र करेंगे, तो यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री आपको करनी होगी, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और टाइम से पहले आप कोशिश करें कि बैंक कभी कभी बंद हो जाते हैं, जैसे कि कोई हॉलीडे हो गया या कुछ हो गया, तो ऐसे में आप पहले से ही ट्रांसफ़र कर लें ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस आप जानते हैं स्टॉक का इंश्योरेंस हो सकता है, यहाँ पे व्हीकल का इंश्योरेंस हो सकता है, डायरेक्टर का, पर्सनल, किसी भी टाइप का इंश्योरेंस हो सकता है, तो उन सभी की एंट्रीज आपको टाइम टू टाइम करनी है और उनकी पेमेंट की एंट्रीज भी आपको टाइम टू टाइम करनी है। देखिए हमने बात की थी TCS रिटर्न की जो कि GST पोर्टल पे होता है, तो उसकी एंट्रीज भी आपको पैनल वाइज, जितने भी पैनल पे आप सेल करते हैं, ऑनलाइन सेल की मैं बात कर रही हूँ, तो वो सभी यहाँ पे एंट्रीज भी आपको कर लेनी है। अगर आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है तो हो सकता है आपको कुछ चीज़ें समझ बिल्कुल भी ना आ रही हो, तो आप घबराएं नहीं, जब आप यहाँ किसी कंपनी में ज्वाइन कर लेंगे तो धीरे धीरे ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और सभी कुछ ईजी लगने लग जाएगा। यहाँ मुझे 3-4 साल का एक्सपीरियंस है तो मुझे काफ़ी कुछ नॉलेज है, इसलिए मैं ईजिली बता पा रही हूँ। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए 25 से 50, अभी तो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, वीडियो में बने रहिए। देखिए इंश्योरेंस के हमने जैसे बात करी, इंश्योरेंस की सभी एंट्रीज करनी होती है, तो इंश्योरेंस की कभी कभी जो डेट होती है वो हमारे फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग नहीं होती है, तो वो यहाँ पे हमारी जो डेट होती है वो वैरी करती है, एक ईयर से दूसरे ईयर में चली जाती है, तो ऐसे में आपको मंथली देखना होगा कि कितना पोर्शन आपका इंश्योरेंस का इस ईयर में आ रहा है उतना ही बुक करना है। अगर एडवांस में हमने पे कर दिया है तो उसको नेक्स्ट ईयर में यहाँ पे बुक करेंगे, जिसे कि प्रीपेड इंश्योरेंस बोलते हैं, तो इसकी एंट्रीज आपको अलग से करनी होगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न आती है तो आप अपने CA से पूछें, वैसे तो CA जब आपका बुक्स क्लोजिंग चल रहा होता है तो CA सभी कुछ बता देते हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब भी आपको किसी से भी कनेक्ट होना होता है तो आप एनी डेस्क और टीम व्यूअर का यूज़ करें, ठीक है, ये सेफ भी हैं और इजीली आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से, तो अगर आपके इसके बारे में नहीं मालूम है तो आप ऑनलाइन देख लीजिए, वो सभी चीज़ें मालूम चल जाएंगी। 45 है हमारा, यहाँ 45 कह रही हूँ, हमारा यहाँ पे कितना रह गया है, लास्ट 20th नंबर है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अगर आप एक्सपोर्ट का काम करते हैं, आपकी कंपनी जो है या गुड्स एक्सपोर्ट का काम करती है, तो ऐसे में आपको एक IC कोड चाहिए होता है, उसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई भी करना पड़ सकता है इन केस ज़रूरत पड़ी तो। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हो सकता है पहले से ही उनके पास हो, और अगर ऐसा कुछ ज़रूरत भी पड़ता है तो वो CA से भी अप्लाई करवा सकते हैं, फिर भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि अचानक से आपको ये ना लगे कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। 500 चार्जेस लगते हैं इसमें, आप इसके बारे में देख सकते हैं ऑनलाइन, आपको पता चल जाएगा। ITR के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो ITR के बारे में आप अलग से देखें, वैसे अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे तब तो आपको इजीली ये सब चीज़ें मालूम होंगी, लेकिन कुछ जो सेम बैकग्राउंड के नहीं होते कॉमर्स के, उनको थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो वो ITR से रिलेटेड ऑनलाइन चेक करेंगे तो उनको काफ़ी चीज़ें मालूम चल जाएगी। जो इनकम टैक्स रिटर्न है मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। कोई भी प्रॉपर्टी सेल परचेज करी है तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड होती हैं, वो भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी।
देखिए बहुत सारे चार्जेस ऐसे होते हैं, कभी कभी हमें मालूम नहीं चलता कि ये किस टाइप के चार्जेस है, तो ऐसे में अगर कंफ्यूज हैं तो अपने सीए से ज़रूर पूछें ताकि आपको पता चल जाए कि ये किस टाइप का खर्चा है, फिक्स्ड एसेट्स में जाना है या कि कहाँ जाना है, कौन से हेड में जाना है। तो हेड की गलती ना करें, बहुत सी गलतियाँ हैं, हेड में गलती होने की वजह से कभी कभी फाइंड करने में प्रॉब्लम हो जाती है। लास्ट सेकेंड है सस्पेंस एंट्री ऑलवेज क्लियर। सस्पेंस एंट्री आप हो सके तो डेली बेसिस पे क्लियर करके चलें। और लास्ट है क्रेडिट कार्ड के एक्सपेंस। क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके जितने भी एक्सपेंस है उसको भी एंट्री आप टाइम टू टाइम करें, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें 25 यहाँ पे वर्क्स के बारे में हमने बात करी। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी ये हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, इससे रिलेटेड जो मैंने और भी वीडियो बनाई हुई हैं आप उनको भी ज़रूर विजिट करें, आपको बहुत सी नॉलेज यहाँ पे मिलेगी। आपको किसी टाइप की कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी वीडियो अगर डिटेल में चाहिए तो मैं यहाँ पे डिटेल में बताऊँगी। प्रैक्टिकली मैं यहाँ पे चीज़ें करके नहीं बताने वाली हूँ, सिर्फ मैं आपको यहाँ नॉलेज दूंगी, बाकी प्रैक्टिकली आप कंपनी में जब जाएंगे तो ये सभी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टा आईडी है मेरी, उस पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।